आपकी वजह से बिलाल मुझे छोड़ के चला गया। कैसे कैसे चला गया? सेट मिल गया उसको अलमारी में। मुझे कभी आपकी किसी बात में आना ही नहीं चाहिए था। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। रोशना आप मेरा रूम ठीक कर दें। मैं गलत था। गलत था जो मुस्कान पर भरोसा किया, मुन्नी को झटलाया। गलत था जो अब्बू के साथ बदतमीजी की। अम्मी का दिल दुखाया। ये सब मुझे क्यों बता रहे? मुझे तो पहले से ही पता था कि आप गलत हैं। आपकी आंखों पे मुस्कान के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई थी उतर गई। वो पट्टी उतर गई। अब क्या फायदा? क्या फायदा? मुनी को वापस ला सकते हैं? अम्मी अबू को जो दुख पहुंचाए उसका मदावा कर सकते हैं आप? नहीं ना? नहीं। रोशना मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। तुम इसे रखो। नहीं चाहिए मुझे इसे। जाके आपकी सेट मुस्कान को दे दीजिए, जिसकी वजह से उसने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे माँ बाप घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। क्या फायदा आपकी शर्मिंदगी का? चले जाइए आप यहां से। अब हमें इसे नहीं चाहिए। चले जाइए आप यहां से। नहीं चाहिए। जाइए आप यहां से।
तुम ठीक कहती थी मुनी। सेठ मुस्कान नहीं चुराया था, काश मैंने तुम्हारा भरोसा कर लिया होता। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, तुम्हारा एतबार कर लिया होता, तो ये सब नहीं होता। तुम्हें पता घर में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। अम्मी, अब्बू, सब मुझसे नाराज हैं। मुनी मुझे बताओ, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं? वो सब लोग मुझे माफ करते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हो गया मुनी। तुम्हारे जाने के बाद सब बदल गया। मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम इस दुनिया में नहीं हो, हमारे साथ नहीं हो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो गया, सबसे अच्छा दोस्त। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ मुनी, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्त हूँ ना तुम्हारा, सबसे अच्छा वाला दोस्त हूँ ना, प्लीज माफ कर दो। आपने तो कहा था हमारा नया घर और नया स्कूल दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे दोनों पसंद नहीं आए। मामा, उस स्कूल में तो हमारे कोई फ्रेंड ही नहीं है। नया स्कूल तो अभी शुरू हुआ है ना, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। नहीं, मुझे नए फ्रेंड नहीं बनाने, मुझे उसी स्कूल जाना है जहाँ पे बाबा ने मेरा एडमिशन करवाया था। समझने की कोशिश करो मैम, वो स्कूल बहुत महंगा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास पैसे? बाबा भी तो हमारी फीस देते थे, आप क्यों नहीं देती? मुझे पुराने स्कूल पढ़ने जाना, मैं नए वाले स्कूल नहीं पढ़ने जाऊंगी। आखिर ये लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? कैसे समझाऊं इन्हें कि मैं उनकी ख्वाहिशात उस तरह से पूरी नहीं कर सकती जिस तरह खुर्रम करते थे। छोटे हैं, ना समझे बेटा। उन्हें कैसे अंदाजा हो सकता है कि तुम किन आजमाइशों से गुजर रही हो? से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने मासूम बच्चों की ख्वाहिशात को टूटते हुए कैसे देखूं? हिम्मत करो, अल्लाह बहुत मुश्किल कुशा है,
इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी बेटा। मैंने सुना है कि मेरे दो अदद बंदर नाराज हैं। हम मम्मा से नाराज हैं। मगर मैंने तो ये सुना है कि अच्छे बच्चे अपनी मम्मा से कभी भी नाराज नहीं होते। और मैंने तो ये भी सुना है कि अरीशा और अहमद तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो तो ठीक है दादा अब्बू, लेकिन मम्मा मेरी बात ही नहीं मानती। मैंने मम्मा से कहा मुझे पुराने वाले बड़े स्कूल में पढ़ना है, लेकिन तब भी मम्मा ने मुझे इस गंदे और छोटे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ओए होए 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 अहमद, तुमको ये नहीं पता कि जहाँ पढ़ने जाते हैं ना उस जगह को गंदा कभी भी नहीं कहते। स्कूल छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात से फर्क पड़ता है, पढ़ाई से। तुम दोनों अगर मेहनत और लगन से पढ़ोगे ना, बड़े होकर जो दिल चाहे बन सकते हो। मगर हमारे सारे फ्रेंड तो पुराने स्कूल में पढ़ते हैं दादा अब्बू। हाँ, ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, लेकिन नए दोस्त बना लो ना इस स्कूल में दादी अम्मा, यहाँ तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनेंगे। एक बात बताऊं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वो जो तुम दोनों के स्कूल से भी छोटा था। सच्ची दादा अब्बू? वहां सिर्फ दो कमरे थे और मैं जमीन पे बैठ के पढ़ता था। क्यों, वहां बेंच नहीं होती थी? नहीं होती थी बेंच, मगर फिर भी देखो मैं तो पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गया। पता है क्यों? क्योंकि जनाब मेरा तो सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होता था और मैं बहुत बहुत लगन और मेहनत से पढ़ता था। मैं भी आपकी तरह मेहनत से पढ़ूंगा और प्रोफेसर बनूंगा। मैं भी प्रोफेसर बनूंगी। ये हुई ना बात, तो जनाब हमको दो काम तो करने ही पड़ेंगे। एक तो ये कि डेली स्कूल जाना है, और दूसरी ये कि मामा को परेशान नहीं करना। फिर हम रोज स्कूल जाएंगे और मामा को परेशान नहीं करेंगे। और हुई ना बात, फिर हो जाए प्रॉमिस। प्रॉमिस, थैंक यू प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। चलो दोनों बंदरों खाना खाने जाओ। चलो चलो उठो, चलो शाबाश, दादी अम्मा है पूरी। चला गया मुझे छोड़ के। क्या उलफुल बक रही हो तुम? आपकी वजह से बिलाल मुझे छोड़ के चला गया। कैसे कैसे चला गया? सेट मिल गया उसको अलमारी में। मुझे कभी आपकी किसी बात में आना ही नहीं चाहिए था। शाबाश, देखो अभी जो मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ खड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सारी पिछली बातें भुला के। माफ कर दे आप मुझे,
मेरी बात सुनो बेटा, देखो परेशानी में इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ बैठो। सब समझ में आ गया है मुझे, आपकी वजह से मेरा घर टूट रहा है। शाबाश है, डाल दो सब माँ के ऊपर, अच्छा किया तो अपना हुआ और कुछ गलत हुआ तो सब उठा के माँ के ऊपर डाल दो। मैं अपना घर भी बचा लूंगी, बिलाल को भी मना लूंगी और खुद को भी संभालूंगी, लेकिन आप जाएं यहाँ से, प्लीज मेरे घर से जाएं। मुस्कान याद रखना, अब अगर मैं इस घर से गई ना तो दोबारा पलट के नहीं आऊंगी तुम्हारी शक्ल देखने। बहुत अच्छा करेंगी आप ना आकर, और अगर आप आई भी तो मैं आपको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। को वापस भेज तो दिया है, लेकिन सच बताऊं अपुन, मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने सगे भाई के साथ यूं बेरुखी करना। तुम्हारी बेरुखी से उसकी जान तो नहीं गई ना? उसने जो कुछ मेरी मासूम और बेबस बच्ची के साथ किया, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, और अगर मैं माफ कर भी दूं तो मोनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अब्बू, बिलाल भी तो आप ही का बेटा है, ये रिश्ते कोई खुद तो नहीं बनाता, ये रिश्ते तो जिंदगी के साथ मिलते हैं। बहुत शर्मिंदा है। होना चाहिए उसे शर्मिंदा बेटा, जब कोई अपने घुमंड में बदलिहाज हो जाए तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और उसे शर्मिंदा होना भी चाहिए क्योंकि यही उसकी सजा है। बेटा तकलीफ की माफी हो सकती, लेकिन भुलाई नहीं जा सकती। और मोनी के जुदा होने की तकलीफ मेरे दिल में हमेशा ताजा रहेगी। इसलिए कोशिश करना कि आइंदा अपने भाइयों की सिफारिश मुझसे कभी ना करूं। क्यों मुझको सताए औलाद ये, 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 क्या मेरी खता है बता। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला,
माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना।